दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो बेसिक क्वेरी है वो ये है कि आप अग्निवीर में ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी हो रहा है कि 4 साल बाद यहाँ क्या स्थिति रहेगी या दूसरा कुछ और ट्राई करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी हथेली में मून लक लाइन अवेलेबल होती है जो सैटर्न माउंट तक पहुँचती है, यह व्यक्ति को सिक्योर जॉब और कंटिन्यूस जॉब को रिप्रेजेंट करती है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के समृद्धि प्रगति करेंगे और आपका रसना बसना भी जन्म स्थान से दूर हो जाएगा। बहुत सारे जीवन में अभी आपके नए लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे मित्र यार संग से आप जुड़ेंगे, फिर उसके बाद और नए लोग जुड़ते आपके जीवन में जाएंगे। वो सभी नए लोग आपके जीवन में आपके भाग्य को, कर्म को, आपकी योग्यताओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे आपको सीख मिलेगा, सबकी आप भी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर होगा ये कि इसी प्रोफेशन में या इसी फील्ड में आगे चल करके आप जो भी एग्ज़ाम्स देंगे या जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप उसको ग्रैब कर लेंगे। और इसीलिए आपका एयरफोर्स में या अग्निवीर के द्वारा हमेशा के लिए काम होने के योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं या बहुत लंबे समय तक काम होने के योग हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन हथेली में लॉन्ग है, जिसके कारण यह व्यक्ति को बुद्धिमता, ज्ञान बहुत ज़्यादा देती है, सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, चीज़ें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना, ये सभी कॉम्बिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत मदद करता है। और आपके जो सन माउंट है, यहाँ पर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यूँ ही नहीं बना, ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देता है कि आप टॉप पोजिशन इन अथॉरिटी पर वर्क करेंगे और आपके अंडर में बहुत सारे लोग इन फ्यूचर काम भी करेंगे। कब आपकी प्रमोशन एंड ग्रोथ रहेगी यह अभी हम लाइफ लाइन और लक लाइन के द्वारा जज करेंगे। बाकी यहाँ पूरे कॉम्बिनेशन है कि आप सही स्टेप ले रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए, पूरे अपने एफर्ट्स डालिए, इसी में आपको कंटिन्यू वर्क देखने को या और ज़्यादा प्रमोशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके हथेली में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी की पूरी आउटर मार्स से कनेक्ट है, जिसका तात्पर्य यह है कि हमेशा आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग आपके जीवन को और ज़्यादा सुधार के, आपको और ज़्यादा उन्नति या प्रोत्साहित करके, आपके अंदर और मेजर स्ट्रेंथ दे करके जाएंगे। इसलिए आप जैसे जातक तनावपूर्वक परिस्थिति में बहुत अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, काम कर पाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में विपरीत राजयोग दिखाई दे रहा है। अब ट्रायंगल का साइन सन पे जब होता है तो पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट व्यक्ति को देता है। इन सब के द्वारा नेम, फेम, रिस्पेक्ट या प्रॉस्पेरिटी आती ही है। और स्क्वायर का साइन या रेक्टेंगल का साइन जब जुपिटर पे होता है तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव वर्क कर पाना, अपने नॉलेज विजडम का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाना, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होना, फैमिली को सिक्योरिटी देना, अच्छी खासी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी रहना, किसी भी तरह के सुख सुविधा संसाधन रिसोर्सेज की कभी कोई कमी ना होना, इसको ये इंडिकेट करता है। तो ये सभी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और आगे चल करके आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी लक लाइन के साथ में मर्करी लाइन भी अटैच हो रही है बार बार, जो आपको साइड बिजनेस या साइड वर्क में इंगेज भी करेगी। तो इसीलिए आपके जीवन में आपको करियर वाइज, मनी वाइज चिंता करना ही नहीं चाहिए। बस ये जरूर है कि लक लाइन अभी सैटर्न पे प्रोमिनेंटली कनेक्टेड नहीं है, तो आप पूरे के पूरे एफर्ट्स अपने कर्म में लगाइए, निष्काम कर्म पर ध्यान दीजिए। मून लक लाइन है, आपके मन की जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने विश्वास को मत डगमगाइए, चिंता मुक्त जीवन शैली जीने की कोशिश करिए, वर्तमान जितना हो सके उसको अच्छा करिए, क्योंकि जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर में गैप होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक कहीं ना कहीं फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही गैप इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जहाँ आपने अपने आप पर बिलीव किया, आपका बिलीव सिस्टम आपके लिए स्ट्रांग हो गया, तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसका इंडिकेशन प्रेजेंट से आना शुरू हो जाएगा। और फिंगर के बीच में जब भी गैप्स मेंटेन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर देते हैं और डोमिनेटिंग नेचर भी देते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाने में या निभा पाने में सक्षम होते हैं। ये सब आपके नेचर को सूट कर रहा है, जिसके कारण आप टॉप पोजिशन अथॉरिटी पर डेफिनेटली पहुँचेंगे। अब बात करते हैं हम लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना कई मरतबा मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण नुकसान देता है। कभी भी कोई काम करें तो पूरा फोकस रख करके
एक ही समय पर एक ही काम पर ध्यान दें, मल्टीटास्किंग नेचर से बचें ताकि आपके नुकसान जीवन में कम हो। मनी मैनेजमेंट वीक रहने वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फर्क नहीं है, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर देगा, तो किसी भी तरह के नए काम को करने से पहले आप हिचकिचाएंगे नहीं। अपने लाइफ में मेजर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने एफर्ट्स के द्वारा बहुत अच्छा नेम फेम सक्सेस पाने में सक्षम रहेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर पूरी की पूरी मर्ज है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत आध्यात्मिक धार्मिक बनाएगा, और फिंगर के ऊपर आपकी आड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जिसके कारण आपके रिश्तों में बहुत जल्दी अनबन मतभेद भी आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो हार्ट लाइन है वो मार्स से कनेक्टेड है, और ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन बहुत ख़राब देता है। एग्रेशन बहुत ख़राब तभी हम कहते हैं जब वो गलत जगह यूटिलाइज हो जाए। आपको आपका एग्रेशन आपके काम में लगाना है, अपने ऊपर लगाना है, आपको अपना कॉम्पिटिटिव सबसे पहले अपने आप को रखना है, फाइट अपने आप से करनी है। तो ये मंगल क्या करेंगे कि आपकी जो एग्रेशन है ये लोगों के बीच में नहीं जाएगी या क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, जिसके अतिरिक्त आप आवेश में आकर कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसके कारण आपका नाम खराब हो या रिश्ते खराब हो या किसी तरह का तनाव आए। अदरवाइज जब भी आउटर मार्स पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन शत्रु ज़्यादा उत्पन्न कर देती है। आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात के द्वारा यह शत्रु को निर्मित करती है, और अपने लोग टांग खींचने वाले, बदनाम करने वाले, ख़राब करने वाले मिल जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन से हमें बचना है, क्योंकि माइंड लाइन पहले से ही आउटर मार्स से कनेक्टेड है, जो इंडिकेट कर रही है कि कोई आपके ऊपर ज़्यादा हावी तो नहीं हो पाएगा। आप कहीं ना कहीं समाधान हर विषय का निकाल लेंगे, और जो शांतिपन अपने अंदर रखेंगे वही आपको समाधान हर विषय में निकाल के देगा, लेकिन जब जब आप आवेश में काम करेंगे आपका नुकसान होता चला जाएगा। तो इस विषय पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिंगर के जो नोट्स से वो डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो आपको स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके व्यक्तित्व में आएगा। और फैलेंजस इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देता है। शुक्र आपका अच्छा है, जिसके कारण आपका लाइफ लग्जीरियस और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाने वाला रहेगा। ये जज करेंगे अभी हम लाइफ और माइंड लाइन पे। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जिसके कारण यूनिक थॉट्स, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेटिव ये बनाएगा, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा कई मरतबा मन को विचलित करती है। इसे ट्रैवलिंग लाइन्स भी कहते हैं, जो ह्यूज ट्रैवल को रिप्रेजेंट करती है लाइफ में, फॉरेन ट्रैवलिंग को भी कन्फर्म करती है। लेकिन यहाँ पर कभी भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजुल का डर भय चिंता जैसी चीज़ों से मुक्त रहने के लिए शिव जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हृदय रेखा में भी त्रिशूल की आकृति जब बनती है तो शिव जी की असीम कृपा आप जैसे जातकों पर पाई जाती है। थम का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन एक्शंस लेना। थम के ज्वाइंट पॉइंट में मांसल कम है, तो इस कारण से कई मरतबा लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर हट जाना। और यव का साइन डेवलप हो रहा है, जिसके कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आना। इसका जो नेगेटिव हमने बात की यहाँ, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपका थम आ चुका है। तो थम पे जब भी यहाँ पर मसल्स कम होता है, तो वैसे भी आप जैसे जातक सूझबूझ से अंत तक काम ले लेते हैं। और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका विल पावर, फर्स्ट फीलिंग बहुत डेवलप है, इच्छा बल, इच्छा शक्ति आपकी बहुत मजबूत है। इसलिए जिस चीज़ के पीछे आप पड़ेंगे, तो मून लक लाइन मन का काम हो गया, विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, माइंड लाइन आपका कैपेबल हो गया, और कर्म का क्षेत्र या कर्म की रेखा शनि तक पहुंच गई, जो कि अंतिम परिणाम देती है सुखद रूप से। इसीलिए आपका कोई भी जीवन में डिज़ायर, एम्बिशन एंड गोल इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। रेगुलर बेस मेडिटेशन करने की कोशिश करिएगा। अभी जैसे आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो अपने विषय पर ध्यान कम ही दे पाएंगे, क्योंकि बाकी सारी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं या ट्रेनिंग है, उन सब पर कंसनट्रेशन जाएगा। लेकिन तब भी आप उन सब समय पर भी अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर डालिएगा। जरूरी नहीं है कि सेपरेट जाकर के ही मेडिटेशन किया जाए, आप जो काम में पूरा ध्यान डाल दें वो भी मेडिटेशन ही होता है। ये यव का साइन जैसे ही प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा, तो कोई भी वर्क इजी कराने में, इंट्यूशन बेस्ड वर्क कराने में, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आते हुए, स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ होते हुए, और मेंटेलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के साथ में मटेरियलिज्म का बहुत इन्जॉयमेंट आप कर पाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको, वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपका जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है, जिसके कारण फैमिली बैकग्राउंड अच्छा मिलता है या फैमिली को बहुत सिक्योर कर देते हैं।
विजडम नॉलेज में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी क्वालिटी या टैलेंट आपके अंदर पाया जाएगा जिसके कारण आप बहुत लंबे समय तक अपने करियर में इजीली सरवाइव कर जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने नॉलेज को, क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने पर ही वर्क करिएगा, क्योंकि अगर इधर और स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन बन गए तो आपको आपके बड़ों के द्वारा इतना मेजर सपोर्ट मिलेगा कि वो लोग हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाएंगे, और फिर आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी आएगी आप निभा सकेंगे, और फैमिली को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपके द्वारा हर विषय को लेकर के मिलने वाला है। इधर पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आड़ी रेखा ज़्यादा है अभी भी, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी शत्रु बनाने में बिल्कुल मत पड़िएगा। फ्लेक्सिबल जितना हो सके अपने नेचर को बनाइएगा, हर्ट ईजली मत होइएगा, किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट मत होइएगा, आगे से रहकर कम्युनिकेशन करिएगा, ईगो को डाउन रखिएगा, तो आड़ी रेखाएं ख़त्म हो जाएगी, तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्रेंडली होता चला जाएगा, जिसके कारण इस तरह की आड़ी रेखाएं या मार्स की लाइन के द्वारा तनाव की स्थिति आपको जीवन में नहीं आएगी। ट्रेनिंग में तो ये चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपको। इसके बाद में यहाँ पर शनि की स्थिति में एक ही आप आड़ी रेखा देखेंगे, ये आपकी सहयोगी हृदय रेखा है। हृदय रेखा की जब एक और रेखा निकलती है तो ये व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा बनाती है, तो यहाँ पर आपको किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर के डिसीजंस नहीं लेना, वर्क नहीं करना, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज सैटर्न पर ये लाइन काट करके गई है सैटर्न माउंट पे, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर आप ज़्यादा इमोशनल बिहेव किए या डिसीजन लिए या डिपेंडेंट हो गए तो आपको हर्ट होना पड़ेगा। और दूसरा, ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो एक ही काम के लिए मल्टीपल एफर्ट डालने होते तब जाके परफेक्शन आता है, तो इसीलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल करियर ओरिएंटेड आप रहेंगे, सेल्फ फोकस्ड रहेंगे, उतना अच्छा ये सैटर्न वर्क करेगा, एक एफर्ट में रिजल्ट मिलने लगेगा, मेंटल पीस हैप्पीनेस आएगा और सेटिस्फेक्शन हर काम में मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी लक लाइन के ऊपर मरकरी लाइन क्रॉस करके जाती है उस समय हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है और बिजनेस के लक मिलते हैं। पहली जो रेखा यहाँ पर काट करके जा रही है वो आपको अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल हो रही है 25 और 26 के एज में। सेकेंड वन अवेलेबल हो रही है 32 और 33 के मिड में। ये दोनों पीरियड आपकी लाइफ में ऐसे रहेंगे जिसमें आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ेगी, और ख़ासकर 32 के आसपास वाली लाइन बहुत मजबूत है जो बहुत अच्छा पैसा देगी, और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी इवेंचुअली सेटिस्फाइड कर रही है, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना जीवन में देखने को मिलेगा। इसमें से जब रेखाएं जुपिटर की तरफ झुकती हैं तो ये देती हैं पावर पोजिशन एंड अथॉरिटीज़। ये सभी कुछ आपके जीवन में, यानी आपको बिग चेयर जो मिलेगा, ऑफिसर रैंक मिलने के जो चांसेस है, वो सब आपको 34 और 36 के एज में प्रोमिनेंटली है। फिर आपकी लक लाइन फिर स्मूथली आगे की तरफ बढ़ी है और अनदर लक लाइन भी आकर के मर्ज हो रही है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को 40 प्लस के बाद में इंडिकेट करती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल हो रहा है, और ये सेल्फ मेड लक लाइन में कॉमन पॉइंट ये है कि ये शुक्र से भी कनेक्टेड है, तो यानी आपके जीवन में आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, फैमिली के लोगों के द्वारा सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिसके कारण आप इनिशिएशन जो भी लेंगे 34 के एज से उन सभी इनिशिएशन में आपको लाभ मिलेगा, और आगे चल करके आपका फैमिली बिजनेस या साइड बिजनेस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब भी इस तरह से मल्टीपल लाइंस आ जाती है लक लाइन के तौर पर, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कन्फर्म यहाँ पर करती है, और इसके बाद में ये सब रेखाएँ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं जिसे कहते हैं विंडो साइन या स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा एक इधर देखेंगे, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ये सब कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देते हैं। इनका काम ही है कंस्ट्रक्ट कराना, मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑन कराना या प्रॉपर्टी लेते चले जाना। ये सब कुछ आप अपने जीवन में 30 क्रॉस करते से ही करना शुरू कर देंगे, और कंस्ट्रक्शन आपके जीवन में 35 के बाद से बहुत होना शुरू हो जाएगा। तो सैटर्न की कंडीशन बहुत फ्रूटफुल दिखाई दे ही रही है, बस बेफिजूल के चिंतन मनर और मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ या इमोशनल बिहेवियर रखने से बचना पड़ेगा। इसके लिए उपाय है मेडिटेशन, उससे आपको ये इश्यूज़ ख़त्म होंगे। और एक चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जब सपोर्टिव हार्ट लाइन और मून लक लाइन होती है तो कभी भी अपने इंटरेस्ट पैशन हॉबी को क्विट नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ताकि ज़ीरो थॉट प्रोसेस जनरेट हो। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी देगा। सन एंड सैटर्न के मिड की ये लाइन विद्या रेखा होती है, अपने एडवाइस सजेशन दूसरों के बहुत काम आएंगे,
खर्चे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की उठाएंगे और इसी कारण से आपके जीवन में आगे चल के मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाएगा। इसीलिए आपके पाम में डबल लाइन है, डबल सन लाइन है, जो डबल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। सन की कंडीशन अच्छी है और ट्रायंगल का साइन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पावर पोजिशन लाता है, तो ये आपके जीवन में आ सकेगा। लेकिन इसके आने के लिए कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई नहीं करना है, ईगो हर्ट या ईगो को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना है, तो ये साइन अच्छे बिहेव करेगा, जिसके कारण सबसे ज़्यादा लाभ आपके फैमिली, फादर और आपके समाज या कुल के नाम को हो सकेगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन्स आ रही है, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी या मीठी बोली ये देगा। टेम्परेरी रिलेशन एक रहेगा, देन आफ्टर आपका मैरिज 28-9 के एज के आसपास में होगा, बहुत अच्छा मैरिज रहेगा वो। हार्ड लाइन में बायफोर का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है और मेजरली हार्ड लाइन पे कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड लाइन आपका सैटर्न से होते हुए बेसिकली जुपिटर से कनेक्टेड है, जिसके कारण ही आपको इमोशनल सेंसिटिव, लविंग एंड केयरिंग बनाएगा। आप जिसके प्रति भी डिवोशन रखेंगे तो बहुत हाई लेवल का रखेंगे, लिमिट नहीं लगा पाएंगे, ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति रहेगी, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे और खुल करके अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखने वालों में से रहेंगे। आप मांगलिक भी हैं, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना आपको ज़रूरी है। माइंड लाइन के ऊपर में जब इस तरह के आइलैंड के फॉर्मेशन आते हैं तो ये देते हैं मेंटल प्रेशर, और ये मेजरली आया है सैटर्न माउंट के ही नीचे, तो अग्निवीर या एयरफोर्स में आपको मेंटल प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग और उसके बाद भी रहेगा, लेकिन उन सब प्रेशर से कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, चिंतित नहीं होना, वो सब प्रेशर आपके मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने वाला है, आपको और इनर लेवल पे मजबूत करने वाला है। ये जो अभी हम इमोशन की इतनी बात कर रहे हैं, ये पूरा इमोशन आपका बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे, और पूरी लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी जब आ जाएगी तब तो आप जिस क्षेत्र में हाथ डाल दें वहाँ पर आप सोना ही निकाल के निकलेंगे। मस्तिष्क रेखा जब लंबी होती है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, छोटे से छोटे पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ जाते हैं, बुद्धिमान, विवेकवान और इंटेलिजेंसी में आईक्यू लेवल बहुत अच्छा यह क्रिएट करके देता है। माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा क्योंकि कम्फर्ट आपका जाएगा। मून लक लाइन व्यक्ति को कम्फर्ट का आदि बनाती है और ये थोड़े समय के लिए जाएगा, लेकिन इसमें घबराइएगा नहीं। इसके बाद में आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है ये बहुत बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। एक आइलैंड आपको आया था अराउंड 15 से 17 के मिड में, ये पीरियड हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज डिस्टर्बिंग था, लेकिन इसके बाद में आपके लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत बेटर होती जा रही है और बाहर की तरफ झुकने के कारण ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। आपके जीवन में बहुत मेजर सपोर्ट या अच्छा सपोर्ट 24 से आना शुरू होगा और उसके बाद अनदर या बहुत सारे अपने या दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा। इसलिए आपका मंगल अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख होना, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी बिताना, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना। और केतु की स्थिति पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस को इंडिकेट करते हैं, और मरकरी लाइन आपके पास में थोड़ी कमज़ोर है, तो अपने प्रैक्टिस को, इंटेलिजेंसी को, नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहिएगा। और यहाँ पर अगर इन फ्यूचर इस तरीके से प्रॉपरली स्क्वायर का साइन बन गया तो बहुत बड़ा कारोबार, साम्राज्य आपका स्थापित हो सकने में सक्षम हो जाएगा। बाकी और कोई मेजर इशू, ट्रबल नहीं है। वर्टिकल लाइंस पाम में ज़्यादा है तो हर विषय को लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में अच्छी आएगी और उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर आप बहुत एक्सट्रीम सक्सेस अपने लाइफ में पा सकेंगे। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन्स, मरकरी लाइन, फिर सक्सेस लाइन या लक लाइन, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल है। यहाँ पर हुआ ये है कि आपकी माइंड लाइन थी शॉर्ट, लेकिन एक रेखा ने आकर के और इसे मजबूत कर दिया, इसलिए आपकी अभी एजुकेशन और बढ़ेगी। जॉब के साथ साथ में एजुकेशन बढ़ने के योग भी अच्छे हैं। इसके बाद आप बचपन से ही इमोशनल सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फैमिली को बहुत सिक्योरिटी दिलवाता है, जो राइट हैंड में भी अवेलेबल है स्क्वायर साइन के फॉर्मेशन में। मेजर लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आपको जो रहने वाला है वो 21-2 में रहा, अब आने वाले समय में 24-5 में फेस करना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट ईयर। इसके बाद में 28-9 और उसके बाद में 33 के आसपास में स्ट्रगलिंग ईयर रहेगा। सक्सेस ईयर आपके जीवन में 35 के बाद तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन उसके पहले भी 27-8 और 20
फाइव एंड सिक्स के मिड में भी प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं लाइफ में। सनलाइन जब भी डेवलप होती है तो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन कर पाते हैं, ये प्रॉपर नेम फेम देता है। और सन माउंट के ऊपर में आपके बायफोर्ग का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली आपको क्रिएट करके देगा। इधर पे हल्का सा फिश सिंबल का साइन आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंक्रीजमेंट करवाएगा। सभी तरह के धर्म अध्यात्म से रिलेटेड किए गए काम से सुकून शांति संपन्नता जीवन में आएगी। और एट द एंड मनी ट्रायंगल बना हुआ ही है जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना और सदुपयोग होना जीवन में आपके दिखाई दे रहा है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लाइफ भी है, बिल्कुल धैर्य के साथ में खुशमय होकर के जाइए, जी जान से मेहनत करिए, आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।